लोन लेने की सही जानकारी ही आपको आसानी से लोन दिला सकती है। देश में लगातार नई कंपनियां आ रही हैं जो आपको आसानी से लोन देती हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं, बशर्ते आपको इसकी पूरी जानकारी हो। इन सभी जानकारियों को हम इस चैनल से आपके लिए लाते हैं, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है जानकारी पूरी देखें, अधूरी जानकारी लेने से सही लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, क्या आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं और आपको अपने घर के लिए होम लोन लेना है, लेकिन संपत्ति के पर्याप्त दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री आदि नहीं होने के कारण आपको होम लोन लेने में परेशानी आ रही है? साथ ही आप खोज रहे हैं ऐसी जानकारी जिससे आपको आपके ग्रामीण आवास पर होम लोन मिल सके, तो आज की जानकारी आपके लिए खास हो सकती है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो गांव की संपत्तियों पर भी होम लोन देती है, वो भी कम संपत्ति डॉक्यूमेंट के। इस कंपनी की पूरी जानकारी जैसे ब्याज, दस्तावेज, प्रोसेस को समझने के लिए आपको हमारे साथ आखिरी तक बने रहना होगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी में इस कंपनी से लोन लेने का आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर पर्सनल फाइनेंस और लोन की ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, बात चाहे होम लोन की हो या पर्सनल लोन की, या फिर बात हो बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड की। इन सभी जानकारियों को हम आपके लिए लाते रहते हैं। इतना ही नहीं, भारत की नई फाइनेंस कंपनियों के रिव्यू भी इस चैनल के माध्यम से किए जाते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सी नई फाइनेंस कंपनी किस प्रोसेस से आपको लोन देगी, क्या ब्याज होगा, क्या होंगे उसके आवश्यक दस्तावेज, और कैसे इन कंपनियों से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना होगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश और आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देश में एक ऐसी कंपनी काम कर रही है जो ग्रामीण इलाकों में होम लोन मुहैया कराती है, उसका नाम है आवास फाइनेंसर लिमिटेड। पूर्व में इसे एयू फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता था। जयपुर बेस्ड आवास फाइनेंसर होम लोन देने के साथ साथ बिजनेस लोन देने का काम भी करती है। इसका फोकस ऐसे परिवारों को होम लोन की सेवा देना है जो आर्थिक रूप से मध्यम और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हों। मार्च 2012 में शुरू हुई इस कंपनी ने अभी तक बहुत से ऐसे परिवारों को होम लोन दिया है जो मध्यम आय वर्ग से आते हैं और उनके पास कोई इनकम डॉक्यूमेंट न होकर वे परिवार ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। आइए जानते हैं किन उपयोग के लिए देती है होम लोन। दोस्तों, आवास फाइनेंसर पूरी तरीके से एक फाइनेंस कंपनी है तथा होम लोन के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य जैसे प्लाट खरीद कर बनाने, नया घर बनवाने तथा घर की मरम्मत जैसे सभी कामों के लिए इस कंपनी से होम लोन लिया जा सकता है। साथ ही आवास फाइनेंसर आपके घर के एवज में आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी या बिजनेस को बढ़ाने के लिए मॉर्गेज लोन भी देती है। तो आपको भी इन प्रायोजनों के लिए होम लोन की जरूरत है तो इस कंपनी का विकल्प आपके लिए ठीक हो सकता है। जानते हैं किन दस्तावेजों के आधार पर होम लोन मिलता है। दोस्तों, सामान्य परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि की आवश्यकताओं के साथ पते के प्रमाण के लिए आपको बिजली का बिल या राशन कार्ड देना होता है। इसके अलावा इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके 6 महीने के बैंक खाते की जरूरत भी यहाँ होती है। कुछ मामलों में होम लोन लेने के लिए किसी प्रकार के आय के दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन ज्यादा लोन अमाउंट के लिए आपको सैलरी स्लिप, सर्टिफिकेट या बिजनेस के दस्तावेज जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, बिजनेस का हिसाब किताब आदि देना होते हैं। इसकी विशेषता अनुसार यहाँ प्रॉपर्टी के न्यूनतम दस्तावेज लगते हैं। इसमें आपको आपकी संपत्ति का पंचायती पट्टा या अधिकार पत्र, इसके अलावा पंचायत की एनओसी यहां देनी होती है। प्रोसेस की बात की जाए तो अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है तो आपको बताए गए दस्तावेजों की कॉपी के साथ यहां होम लोन के लिए आवेदन फीस ₹1750 के चेक या डीडी के साथ आवेदन करना होता है। इसके बाद आपके क्रेडिट स्कोर की जांच की जाती है
और आपके द्वारा दी गई घर, प्रॉपर्टी, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी की जानकारियों की पुष्टि की जाती है। अगर सभी जानकारियां सही पाई जाती है तो आपका होम लोन स्वीकृत कर दिया जाता है और आपको अपने मूल दस्तावेज यहाँ जमा करके कंपनी की ऋण लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। साथ ही अपने ग्रामीण पट्टे को रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर आपकी संपत्ति का रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी करवाना होता है। इसके बाद कंपनी की प्रोसेस के हिसाब से आपके खाते में लोन का पैसा पहुंचा दिया जाता है। कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ आप 2 लाख से लेकर 20 लाख तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो आपको प्रतिवर्ष होम लोन का जो ब्याज लगेगा वो 15 से 17% तक लग सकता है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपका वेतन बैंक में आता है तो आपको ब्याज की थोड़ी राहत मिलकर 11 से 14% के बीच का ब्याज लग सकता है। इसके अलावा यहाँ लोन प्रोसेसिंग फीस भी देना होती है जो लगभग आपके लोन अमाउंट की 2% तक हो सकती है। इसके अलावा कंपनी आपका एक इंश्योरेंस भी करती है जिसका खर्चा आपके होम लोन से काटा जाता है। तो ये जानकारी आप याद रखें और इस बातों का ध्यान रखें। कैसे करें आवेदन? आवेदन करने के लिए बता दें कि आवास फाइनेंसर की ब्रांचें देश के 186 शहरों में मौजूद है। आप बताए गए दस्तावेज के साथ ब्रांच में जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-20888-20 पर संपर्क करके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी नियम और शर्तें अच्छे से समझ लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हम इस जानकारी के माध्यम से किसी भी तरह से कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आप तक नई कंपनियों की जानकारी और इनकी लोन प्रोसेस को आप तक लाना है। दोस्तों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी आपके लिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में इस जानकारी से जुड़ा कोई प्रश्न है या आप चाहते हैं कि आपको किसी अन्य जानकारी पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस और लोन से जुड़ी बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएगी। कुछ उपयोगी जानकारी वाली वीडियो की लिंक मेरे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर ये जानकारी वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, हो सकता है आपके किसी मित्र या रिश्तेदारों को इस जानकारी की जरूरत हो तो इस वीडियो को उनसे शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।